क्या आपको पता है कि एरोप्लेन के ओवरटेक और लैंडिंग के दौरान आपके सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कहा जाता है कि उसे आप स्विच ऑफ कर लें या फ्लाइट मोड पर कर लें? और क्या आपको पता है कि अगर हम स्पेस पर फायरिंग करें तो उस वक्त क्या होगा? और इस अर्थ पर ऐसा कौन सा जानवर है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है? तो आज हम सब अपने इस वीडियो के अंदर अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25 सितंबर यानी कि ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज साल का 268वां दिन है। सिर्फ और सिर्फ 97 डेज बचे हुए एक साल के कंप्लीट होने में। फैक्ट नंबर 24, जर्मनी के ड्रेसडन में एक बिल्डिंग है, उस पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से म्यूजिक प्ले होने लगती है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपने कभी नोटिस किया है पावर बटन को जो वन और वो सर्कल से घिरा होता है? जो सर्कल से घिरा होता है वो ऑफ को शो करता है और जो वन बना होता है वो ऑन को शो करता है। फैक्ट नंबर 22, समुद्र में रहने वाला जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि आउल यानी कि उल्लू के पास 3 पलकें होती हैं? पहली पलक को वो झपकाने के लिए, दूसरी पलक को वो नींद के लिए और तीसरी पलक को वो आंख साफ करने के लिए इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि फॉक्स यानी कि लोमड़ी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है? फैक्ट नंबर 19, मैं बात कर रहा हूँ क्यू जुम्बा की, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। उन्होंने अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, इस मकसद से क्रिएट किया, इस चैनल से जितने पैसे की अर्निंग होगी उस पैसे से केन्या में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इन्होंने क्या कह रहा है, वहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल ओपन करवाया और उस स्कूल का नाम क्यू जुम्बा सेकेंडरी हाई स्कूल के नाम से पड़ा। फैक्ट नंबर 18, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंसान या जानवर के शक्ल जैसे पौधे भी उगते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैकुला बेनेडिक्टाई ऑर्किड की। ऑर्किड प्लांट्स की एक स्पीसीज है जो कि मंकी यानी बंदर के शक्ल जैसे पौधे उगते हैं, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 17, पाइन एप्पल यानी अनानास वो सिंगल फ्रूट नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बेरी के ग्रुप जुड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 16, कॉटन कैंडी जिसे हम सब फेरी फ्लॉस के नाम से जानते हैं और हम सबको बचपन में से बहुत लगाव था, इसको बनाने वाले सबसे पहले डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन ने बनाया था। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? एस सब्सक्राइबर, आई आइडेंटिफिकेशन एंड एम मॉड्यूल, मीन्स सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि फेसबुक का कलर ब्लू ही क्यों है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है जो कि रेड और ग्रीन कलर से ब्लाइंड है, वो ब्लू कलर को सबसे अच्छा कलर मानते हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि ब्लू कलर मेरे लिए सबसे रिचेस्ट कलर है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो फेसबुक के वेबसाइट होते हैं और फेसबुक का जो ऐप होता है वो ब्लू कलर का होता है। फैक्ट नंबर 13, आपको हमारी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, इसको ध्यान से देखें और गौर करें कि इसमें 12 डॉट बने हुए हैं जो कि आपका दिमाग एक बार में 12 डॉट यानी बिंदी को नहीं देख सकता क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग खाली जगह को देखने में केंद्रित होगा जो कि ग्रे लाइंस पर आकर टिक जाएगी और आप एक बार में 12 डॉट को नहीं देख सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, हम सभी लोगों ने स्कूलिंग किया होगा यानी हम सब स्कूल गए होंगे, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल का इन्वेंशन किसने किया? जी हाँ, स्कूल का इन्वेंशन अमेरिकन पॉलिटिशियन हॉरेस मैन ने किया था। फैक्ट नंबर 11, नॉर्थर्न इथोपिया में एक डेलॉल एरिया है जहाँ पर पानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ वहाँ के सरफेस पर हॉट एसिडिक वाटर होते हैं,
जो ऊपरी लेयर होती है वो साल्ट से ढकी होती है और कभी कभी टॉक्सिक गैसें भी रिलीज होती रहती है। फैक्ट नंबर 10, विलियम शेक्सपियर, इनसे हर कोई मुखातिब होगा। ये एक्टर, पोएट, प्ले राइटर और दुनिया के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट है। क्या आपको पता है कि इन्होंने 1700 से भी ज़्यादा वर्ड्स को इन्वेंशन किया, जैसे कि बर्थ प्लेस, डाउन स्टेयर, बेडरूम और टॉर्चर है। और क्या आपको पता है कि जो हम से प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अन, इसको भी उन्होंने ही इन्वेंशन किया था, जैसे कि अनरियल, अनरेस, अनअवेयर। फैक्ट नंबर 9, अगर आप 0 to 1000 तक लेटर को लिखें, जैसे कि 1, O-N-E-1, T-W-2, तो आप पाएंगे सिर्फ ए जो लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 में आएगा, बाकी 1 to 1000 के बीच में नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 8, चिकन, जो कि हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि चिकन अलग अलग ब्रीड्स और अलग कलर्स के आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिल्की चिकन की। जी हाँ, ये चिकन्स की एक ब्रीड्स है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी सारी बॉडी सिल्क से बनी होती है और ये दुनिया का सबसे अमेजिंग चिकन ब्रीड्स है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, जलेबी, यानी कि सुबह का नाश्ता, इसको इंग्लिश में सिर्फ फिल्ड रिंग्स और फनल केक कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप 1 को 9 times लिखकर उसी 1 को 9 times लिखने के बाद मल्टीप्लाई करें तो जो उसका सल्यूशन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा। इसी तरह से आप फिर लें 8 times 1 लें, फिर मल्टीप्लाई करें 8 times 1 से, तो जो उसका सोल्यूशन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 7 times लिखे, फिर 6 times लिखे, 5 times, तो उसका भी आंसर इसी तरह आएगा। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप प्लांटिंग करिए तो आप क्या करेंगे? बहुत आपको टाइम लगेगा। आप जो है वहाँ पर गड्ढा खोदेंगे, फिर सीड्स डालेंगे, फिर वॉचिंग करेंगे, लेकिन इससे कोई सिंपल मेथड, मैं बात कर रहा हूँ शॉटगन फ्लावर शेल की। यह एक तरीके का बीज यानी कि सीड होता है। हम इसको करते क्या है, इसको जो है गन के अंदर भर लेते हैं और भरने के बाद हमें जहाँ भी प्लांटिंग करनी होती है ग्राउंड पर, तो वहाँ पर हम प्लांट करते हैं तो उस जगह पर ऑटोमेटिकली स्प्राउट होने लगता है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, वॉशिंगटन के माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर की स्पेशल ऑडियो लैब को दुनिया की सबसे शांत जगह माना जाता है। इसका नाम वर्ल्ड के गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। इस लैब के अंदर -20.6 dBA की शांति है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कमरे के अंदर रहेंगे तो अपने दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून के प्रवाह को भी सुन सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट ये है कि लोग इस कमरे के अंदर 45 मिनट से भी ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक यूरेनस प्लैनेट में 63 अर्थ फिट हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, बंदूक से निकली हुई गोली, क्या होगा अगर हम स्पेस पर गन से फायरिंग करें? आपको पता होगा किसी भी बुलेट या गोली फायर करने के लिए उसमें गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके की मदद से ही बुलेट बंदूक से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है। और आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि वहाँ नहीं है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज़र की मदद से आग लगानी पड़ेगी। पहली बात ये कि आप वहाँ पर उसके आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पर साउंड का कोई मीडियम ही नहीं है, लेकिन आप कुछ और महसूस करेंगे। न्यूटन के 3rd law ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जैसे आप एक डायरेक्शन में गोली चलाते हैं तो बंदूक की नाल आपको अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉयल करेगी, लेकिन आप कितनी तेज़ी से जाएंगे, मान लिए हमने कंपेरिजन किया स्मिथ वेशन हैंडगन और AK-47 के साथ। AK-47 में 1600 माइल्स पर आवर के आसपास गोली चलती है। AK-47 आपको अप्रॉक्सीमेट 0.068 माइल्स पर आवर की स्पीड से आपको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगी।
वहीं स्मिथ और वेसन में 1330 माइल्स पर आवर के आसपास गोली चलती है, वह आपको 0.50 पर रिकॉइल करेगी। स्मिथ और वेसन की गोली AK-47 की गोली के मुकाबले में धीरे चलेगी, लेकिन स्मिथ और वेसन गोली का वजन AK-47 के कंपैरिजन में दोगुना रहेगा। इसके रिजल्ट में आपको दोगुना तेज धक्का मतलब रिकॉलिंग होगी। आप 30 मिनट में एक फुटबॉल मैदान की लंबाई को कवर करने के लिए 0.136 माइल पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होंगे, मगर चाहे जो भी हो, जो आप गन का यूज़ करेंगे, अपने लक्ष्य यानी अपने गोल से सावधान रहें, मतलब देखें, क्योंकि आप खुद की पीठ को गोली मार सकते हैं। यदि आप अपनी बंदूक से निशाना लगाते हैं तो आप उससे निकली हुई गोली को ऑर्बिट में भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो गोली को किसी प्लैनेट के चारों ओर मूव करने के बाद आपसे मिलने में लंबा समय नहीं लगेगा। इससे ये पता चलता है कि बंदूक से फायरिंग करते समय चाहे आप प्लैनेट पे हो या अर्थ पर हो तो सावधान रहें। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आपने कभी सोचा होगा या सुना होगा या कभी नोटिस भी किया होगा कि एरोप्लेन के ओवरटेक और लैंडिंग के दौरान आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि सेलफोन, लैपटॉप, MP3, पोर्टेबल गेमिंग स्टेशन को कहा जाता है इसे फ्लाइट मोड पे कर लिए और स्विच ऑफ कर लिए, तो क्या सच में ये एरोप्लेन के सारे नेविगेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या एरोप्लेन को क्रैश कर सकते हैं, जो कि बहुत लोगों का थॉट्स है, क्या ये सच है या गलत है? जो भी हो, हम आगे पता करते हैं। आजकल हम सब ये सोचते हैं कि प्लेन की यानी कि रेडिएशन यानी कि सिग्नल मतलब इंटरफेरेंस यानी प्लेन का जो एक्चुअल सिस्टम नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ फोन्स मिक्स हो जाएगा और प्लेन के सारे सिस्टम को तहस नहस कर देगा, जिससे कि प्लेन जो मतलब एरोप्लेन है वो क्रैश हो सकता है। ज़रा आप सोचिए कि एक एरोप्लेन के बनाने में $100 मिलियन, $200 मिलियन लगते हैं, क्या वो अपने आप को इस छोटे से फोन को सिक्योर नहीं कर पाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ये इनिशियल थॉट्स था कि जो फ्रिक्वेंसी है वो एरोप्लेन को इंटरफेयर करके उसको क्रैश कर सकती है। असल में ये होता है कि जो फ्रिक्वेंसी एरोप्लेन की होती है वो अलग वे पर वर्क करती है और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग वे पर का वर्क करती है। दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, यहाँ पे बोलते हैं कि फोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि प्लेन्स में बहुत सारे फोन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो सारे मिलकर एरोप्लेन के सिग्नल को इंटरफेयर करके उसको क्रैश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये आती है कि जब आप किसी प्लेन में होते हैं, आप लो एल्टीट्यूड पर होते हैं, उस वक्त आपका जो सेलफोन होता है वो स्विच ऑन रहता है, तो आपका सेलफोन बार बार जो ग्राउंड नेटवर्क से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, बार बार करेगा, तो उस वक्त जो है ग्राउंड नेटवर्क को नुकसान कर सकता है। इसीलिए इनिशियल थॉट्स आया था, उसके बाद से आज के ज़्यादातर प्लेन्स में पीको सेल्स मिलते हैं, और जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो मैक्सिमम एरोप्लेन के अंदर जो मेटल ट्यूब से बने होते हैं, जिससे आप अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस करते हैं। इसका असल मकसद ये होता है कि आप उनके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को सुन लें और आपके जो आसपास के फेलो ट्रेवलर है उनको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुनने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए उस वक्त आपको कहा जाता है मतलब ओवरटेक या लैंडिंग के दौरान आपको कहा जाता है कि आप अपने सेलफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑफ कर लें या फ्लाइट मोड पर कर लें।